सो हेलो दोस्तों, मैं नेम है शुभम गुप्ता। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ए के ट्यूब की तरफ से आ रही एक न्यूज़ की। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल 22 तारीख 2020 और 9:57 पे, मतलब ये न्यूज़ आई है, ठीक है, मतलब आज ही के डेट में आई है। यहाँ पर देखिए लिखा है, ये हिंदुस्तान का ऑल मतलब वेबसाइट है, हिंदुस्तान पेपर वाले की, ठीक है, उसमें उन्होंने इस न्यूज़ को मतलब निकाला है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको क्या बताया गया है। वर्चुअल लैब के ज़रिए होंगी ए के ट्यूब की परीक्षाएँ। अब ये वर्चुअल लैब क्या है, अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूज़ पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से छात्रों को परेशानी ना हो, इसके लिए ए के ट्यू इंजीनियरिंग छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं वर्चुअल लैब में कराएगा। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने बताया कि ए के ट्यू ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एवं वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा भी छात्रों को दे चुका है वो। और वर्चुअल लैब के ज़रिए छात्रों की परीक्षाएं और कक्षाओं के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। ए के ट्यू के 750 कॉलेजों में करीब 2.5 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। कुलपति ने बताया कि मानव संसाधन मंत्रालय मतलब MHRD के वर्चुअल लैब में इंजीनियरिंग के लगभग सभी विषय के प्रैक्टिकल उपलब्ध हैं। इसके लिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा IIT कानपुर की वर्चुअल लैब का क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखी है, वर्चुअल लैब पर वेबिनार होगा आज। वेबिनार मतलब एक प्रकार का सेमिनार ये लोग करेंगे, जिसमें जितने भी टीचर्स हैं वो लोग आपस में बात करेंगे कि वर्चुअल लैब कैसे कैसे बच्चे मतलब बच्चों तक पहुँचाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कुलपति ने बताया कि बुधवार को बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के सदस्यों के साथ वर्चुअल लैब पर एक वेबिनार भी आयोजित किया जाएगा। मतलब ये लोग आपस में बातें करेंगे कि बच्चों के लिए वर्चुअल लैब कैसे मतलब कारगर हो सकता है, कैसे उनके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वर्चुअल लैब ये है क्या। दोस्तों, वर्चुअल लैब एक वेबसाइट है जो कि जितने भी IITs हैं वो उन लोगों ने मतलब मिलकर उसके अंदर सारे प्रैक्टिकल अपलोड किए हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं उसकी वेबसाइट। यहाँ पर देख दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये है वर्चुअल लैब की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि इसको IIT जितनी भी हैं अपने इंडिया में वही संभालती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों देख सकते हैं, ये है उस यहाँ पे लिखा है, टू प्रोवाइड अ रिमोट एक्सेस टू लैब इन वेरियस डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं बीटेक के सभी ब्रांच जितने भी हैं उन सबके अंदर जो भी प्रैक्टिकल लैब होते हैं उनके सारे वीडियो मतलब उनका पूरा एक इसके अंदर पूरा लैब वर्चुअल लैब बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी IITs का नाम है, खड़गपुर, यहाँ पे IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, इन लोगों ने ही मतलब ये अपलोड किए हैं, इन्हीं कॉलेजों ने किए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का खोलता हूँ दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर देखिए जिस भी सब्जेक्ट के हैं सिलेबस भी है साथ में, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का आप लैब करना चाहें उस पर क्लिक करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए मैं कुछ भी चुन लेता हूँ, या डिजिटल। दोस्तों ये आपका लैपटॉप पे ही होगा, आपको बता दूं मैं, ठीक है, फ़ोन में नहीं होगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, अगर मैं यहाँ इंट्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए उस लैब से DLD का लैब जो होता है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं, यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के मतलब लैब टेस्ट जो लैब हैं एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उसके बारे में कैसे परफॉर्म होता है वो भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये है वर्चुअल लैब। ओके, यहाँ पे मैं अभी एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे काम करता है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक देखिए स्टूडेंट है जो वर्चुअल लैब के थ्रू अपना प्रैक्टिकल कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है जिसके माध्यम से वो देखिए ये अपने आप वायर सेट कर रहा है। यहाँ पर आप मैन्युअली मतलब माउस का यूज़ करके आप इस तरह कर सकते हैं, और अपना यहाँ पर देखिए डायरेक्टली वोल्टेज वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए साइड में ऑप्शन भी दिया हुआ है इसका। ओके, इस तरह वायर लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं आपका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, और जो उससे जो ग्राफ बनेगा उसमें एक ग्राफ भी बन जाएगा बहुत आसानी से। तो जैसा आप लोग प्रैक्टिकल में करते हैं सेम उसी तरह होगा, बस आपको यह है कि सब कुछ कंप्यूटर पे करना होगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर देखिए साइड में ऑप्शन आ रहा है सारा। तो दोस्तों बस इतनी सी थी ये वीडियो, आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो बिल्कुल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको भी बता दो प्रैक्टिकल का कैसे होने वाला है। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।